अजीज तुलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुशावा मुसल्ले सीखेंगे, तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मुशावा शक्लें। यहाँ पर तख्ते सिया पर मैंने कुछ अशकाल की जोड़ियाँ बनाई हुई है, आप उन्हें बगौर देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कौन सी शक्लें हैं, दोनों मुसल्लस हैं, लेकिन एक मुसल्लस बड़ा है दूसरा छोटा है। अब ये जोड़ी में ये दोनों शक्लें हैं मुरब्बे की हैं, लेकिन एक मुरब्बा बड़ा है दूसरा मुरब्बा छोटा है। तीसरी जोड़ी में ये दोनों दायरे हैं, लेकिन एक दायरा बड़ा है दूसरा छोटा है। इसका मतलब यह है कि ये एक दूसरे के मुतमासिल नहीं है। इन जोड़ी में जो अशकाल आ रही, इन जोड़ियों में जो शक्लें आ रही, उनकी बनावटें यकसा हैं, लेकिन एक बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो ये मुतमासिल नहीं हो सकती। तो ये शक्लें कौन सी हैं, मुतशाबा शक्लें हैं। ऐसी अशकाल जिनकी जसामत यानी बनावट यकसा हो, लेकिन वो साइज में छोटी बड़ी हो, ऐसी शक्लों को मुतशाबा शक्लें कहते हैं। सफा नंबर 44 पर ताजमहल की दो फोटो आपको दी हुई है, एक बड़ी फोटो है दूसरी छोटी फोटो है। अब दोनों भी फोटो ताजमहल की हैं, लेकिन आपके ओडे आप दोनों फोटो को आप ताजमहल की फोटो ही बोल रहे, लेकिन बाद में क्या बोल रहे आप, एक बड़ी फोटो है दूसरी छोटी है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मुतशाबा हैं। देखिए कोई भी फोटो ले लीजिए आप, उसकी मदद से निकाला गया बड़ा फोटो, उनमें मुतशाबियत पाई जाती है। बड़े बड़े बैनर आपने देखे होंगे रास्ते पे लगे हुए, उसमें जो बड़े फोटो तैयार की जाती है उसकी छोटी फोटो का इस्तेमाल करके तैयार करते हैं। तो बड़ी फोटो और छोटी फोटो दोनों एक दूसरे के मुतशाबा होती, उनमें मुतशाबियत पाई जाती है। इसी तरह रास्ता और रास्ते का नक्शा, इनमें भी मुतशाबियत पाई जाती है। इन शक्लों की अहम खुशियात यह होती है कि उनके अजला तनासुब में होते हैं, लेकिन उनके जाविये मुतमासिल होते हैं। रास्ते का नक्शा और असल रास्ता दोनों में मुशाबियत पाई जाती है। जाविये बदलते नहीं, जाविये अगर बदल गए तो शक्ल की जो बनावट है वो बदल जाती है, इसलिए जाविये मुतमासिल होते हैं। किसी भी इमारत का मॉडल और वो इमारत असल इमारत
और इमारत का मॉडल में मुतशाबिहत पाई जाती। तो हम देखेंगे मुसल्लिसों में मुतशाबिहत, अब देखेंगे हम मुसल्लिसों की मुतशाबिहत। सबसे पहले तारीफ देखेंगे दो मुसल्लिसों में एक से की मुताबिकत की बिना पर अगर पहली शर्त उनके नजीरी जाविये मुतमासिल हों और दूसरी शर्त उनके नजीर अजला तनासुब में हो तो वो दो मुसल्लिस मुतशाबा मुसल्लिस कहलाते हैं। दो मुसल्लिसों की मुतशाबियत के लिए दो जरूरी शराइत हैं। पहली, उनके नजीरी जाविये मुतमासिल हैं होना, दूसरी उनके नजीर अजला तनासुब में होना। यहां पर मैंने मुसल्लिस ए बी सी और मुसल्लिस पी क्यू आर बनाया। जिन नजीरी जावियों की जोड़ियों पर यकसा निशान है वो मुतमासिल हैं। अब देखिए यहां पर मुताबिकत पर लिखेंगे हम ए बी सी मुताबिकत पी क्यू आर बिना पर। देखिए अब जाविया ए का नजीरी जाविया जाविया पी है, ये दोनों पर यकसा निशानी है, इसलिए जाविया ए मुतमासिल है जाविया पी। जाविया बी का नजीरी जाविया जाविया क्यू है, जाविया बी और जाविया क्यू पर यकसा निशानी है, जाविया बी मुतमासिल है जाविया क्यू। जाविया सी और जाविया आर पर यकसा निशानी है और ये नजीरी जाविये हैं, जाविया सी मुतमासिल है जाविया आर। अब इन दो मुसल्लिसों के नजीरी जाविये मुतमासिल हैं, अब हम देखेंगे उनके नजीरी अजला यकसा तनासुब में है क्या। जिला ए बी का नजीरी जिला पी क्यू है तो हम ए बी की पी क्यू से निस्बत मालूम करेंगे, ए बी बटा पी क्यू मसावी, ए बी है सात सम, पी क्यू है 3.5 सम। अब इसको लिखेंगे हम 70/35, यहां का आश्चर्य निकाल दिया हमने, ऊपर सिफर लगा दिए, 35 का 35, 35 दूनी 70, 2/1। अब बी सी का नजीर जिला क्यू आर है, बी सी की नस्बत क्यू आर से मालूम करेंगे, बी सी बटा क्यू आर, बी सी 12 है, क्यू आर 6 है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 2/1। ए सी का नजीर जिला पी आर है, ए सी बटा पी आर मसावी, ए सी 10 है, पी आर 5 है, 5 का 5, 5 10, 2/1। अब हमने क्या करे, नजीरी अजला की निस्बत मालूम करे, वो कितनी 2/1 आ गई। इसका मतलब यह है कि इस मुसल्लिस के नजीरी अजला जो हैं वो यकसा तनासुब में हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर ए बी बटा पी क्यू मसावी है बी सी बटा क्यू आर मसावी है ए सी बटा पी आर।
अब मुसलिस ए बी सी और मुसलिस पी क्यू आर के नजरी जाविये मुतमासिल हैं और उनके नजरी अजला यकसा तनासुब में हैं, तो मुसलिस ए बी सी मुशाबा है मुसलिस पी क्यू आर के। अब मुसलिस ए बी सी मुशाबा है मुसलिस पी क्यू आर के, इसको अलामत का इस्तेमाल करके कैसे लिखेंगे? मुसलिस ए बी सी मुशाबा है मुसलिस पी क्यू आर, ये मुशाबिहत की अलामत है। अब आपने एक बात याद रखना है, दो मुसलिसों की मुशाबियत के लिए दो शरायत का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त उनके नजीरी जाविये मुतमासिल रहना, दूसरी शर्त उनके नजीरी अजला तनासुब में रहना, यकसा तनासुब में रहना। इसका उल्टा अगर आपको दिया हुआ है दो मुसलिस मुशाबा हैं, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, उनके नजीरी जाविये मुतमासिल हैं और उनके नजीर अजला यकसा तनासुब में ही आपको दिया हुआ है, यह आपने याद रखने का है। अब हम क्या करेंगे, मश्क की सेट तीन अशरे पांच करेंगे। सवाल नंबर एक है, अगर मुसलिस एक्स वाई जेड मुशाबा है मुसलिस एलिमेंट हो तब इनके तमाम मुतमासिल नजीरी जाविये लिखिए और नजीर अजला की निस्बते लिखिए। निहायत आसान सवाल, क्या दिया आपको, मुसलिस एक्स वाई जेड मुशाबा है मुसलिस एलिमेंट और आपसे कहा गया है कि उनके मुतमासिल नजीरी जावियों की जोड़ियां लिखिए और नजीर अजला की निस्बत लिखिए। मुसलिस एक्स वाई जेड मुशाबा है मुसलिस एल एम एन, यहां लिखेंगे आप दिया हुआ है, अब आपको क्या लिखना है, नजीरी मुतमासिल जाविये लिखना है। तो देखिए जाविया एक्स का नजीरी जाविया जाविया एल है, तो जाविया एक्स मुतमासिल है जाविया एल, जाविया वाई का नजीरी जाविया जाविया एम है, जाविया वाई मुतमासिल है जाविया एम और जाविया जेड का नजीरी जाविया जाविया एन है, जाविया जेड मुतमासिल है जाविया एन। वजह लिखी यहां पर हम, मुतशाबा मुसलिसों के नजीरी जाविये, और क्या लिखना है आपको, उनके नजीरी अजला की निस्बत लिखना है। एक्स वाई का नजीरी जिला एलम है, तो यहां लिखेंगे हम एक्स वाई बटा एलम मसावी है, वाई जेड का नजीरी जिला एमन है, वाई जेड बटा एमन मसावी है, एक्स जेड का नजीरी जिला एलन है एक्स जेड बटा एलन। वजह मुतशाबा मुसलिसों के नजीरी जिले। यहां पर हमने सवाल नंबर एक मुकम्मिल कर लिए।
सवाल नंबर दो, मुसल्लस एक्स वाई जेड में एक्स वाई मसाई चार सम, वाई जेड मसाई छ सम, एक्स जेड मसाई पांच सम, अगर मुसल्लस एक्स वाई जेड मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर और पी क्यू मसाई आठ सम हो तो मुसल्लस पी क्यू आर के बखिया अजला की लंबाइयां मालूम कीजिए। सवाल नंबर दो में क्या दिया हुआ है, मुसल्लस एक्स वाई जेड में एक्स वाई चार सम है, वाई जेड छह सम है, एक्स जेड पांच सम है और मुसल्लस एक्स वाई जेड मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के, मुसल्लस पी क्यू आर का एक जिला पी क्यू दिया है एट सम और आपसे कहा गया है कि मुसल्लस पी क्यू आर के बखिया अजला की लंबाइयां मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस एक्स वाई जेड मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर, वजह दिया हुआ है अब हमें पता है अगर दो मुसल्लस मुशाबा हैं तो उनके नजीर अजला यकसा तनासुब रहते या नजीर अजला तनासुब रहते, तो यहां पर एक्स वाई का नजीजिला पी क्यू है एक्स वाई बटा पी क्यू, मसाई वाई जेड का नजीजिला क्यू आर है वाई जेड बटा क्यू आर और एक्स जेड का पी आर है एक्स जेड बटा पी आर, वजह मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला। अब हम कीमत रखेंगे एक्स वाई कितना दिया हुआ है आपको चार सम बटा पी क्यू आठ सम दिया हुआ है, वाई जेड छह सम दिया हुआ है, क्यू आर हमें मालूम करना है, एग्जैक्ट पांच सम दिया हुआ है, पी आर हमें मालूम करना है। अब सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, क्यू आर मालूम करेंगे, तो ये दो निस्बतें लेंगे हम, चार बटा आठ मसावी है छह बटा क्यू आर, तिरछा जरब करेंगे चार जरब क्यू आर मसावी है छह जरब आठ, क्यू आर मसावी छह जरब आठ बटे चार, चार से आठ को तकसीम करे चार का चार चार दुनी आठ, छह और दो का जरब करे क्यू आर मसावी है छे दोनी बारह सम, चार बटा आठ मसावी है पांच बटा पी आर, इनका तीसरा जरब करेंगे चार जरब पी आर मसावी है पांच जरब आठ, पी आर मसावी है पांच जरब आठ बटे चार, पी आर मसावी अब आठ को चार से तकसीम करेंगे चार का चार चार दूनी आठ, ये पांच का और दो का जब करें पांच दूनी दस सम, इसका जवाब लिखेंगे हम मुसल्लस पी क्यू आर के बखिया अजला की लंबाइयां Q
शुआर मसावी है बारासम और पियार मसावी है दसम है। यहां पर हमने सवाल नंबर दो मुकम्मिल कर लिए। सवाल नंबर तीन है मुतशाबा मुसलसों की जोड़ी की कच्ची हौस में रफ शक्ल बनाइए, मुसलसों के नाम दीजिए, इनके नजरी जावियों को यकसा निशाना से दिखाइए और मुसलसों के नजर अजलाए की लंबाइयों को तनासुब में बताने वाले अदद से जाहिर कीजिए। अब इस सवाल के एक से ज्यादा जवाब है। सवाल में क्या कहा गया है, दो मुशाव मुसलस बनाइए, रफ शक्ल बनाना है, उनको अपने हिसाब से नाम देना है, फिर उनके नजीरी जावी जो मुतमासिल हैं उनको यकसा निशानी बताना है और नजीरी अजला की लंबाइयों को तनासुब में बताने वाले अदद से जाहिर करना है। अजला की लंबाइयों के तनासुब बताने वाले आदात की कौन सी भी जोड़ियां ले सकते हैं हम, मैंने जो लिया वो लेना ही जरूरी नहीं है। आपके जहन में क्या रखना, जहन में ये रखना है कि तनासुब में वो आदात की जोड़ी जो ले रहे आप लंबाइयों को जाहिर करने वाली, वो तनासुब में रहना और जावियों की जोड़ियों को भी किसी भी निशानी से हम बता सकते हैं। पहले मुसलस बना देंगे, दूसरा मुसलस, यहां क्या है कि हमने दो मुसलस बना दिए, आप इनको नाम देना है, ये रफ शक्ल बनाया हमने। पहला मुसलस ए बी सी दे देंगे हम, दूसरा मुसलस पी क्यू आर दे देंगे यहां पर। अब आप दूसरे नाम दे सकते हैं, यहां पर सर ने ए बी सी दिए पी क्यू आर दिए, हम भी देना जरूरी नहीं है, आप दूसरे नाम दे सकते हैं। फिर क्या बोलता है वो, नजीरी जाविये जो मुतमासिल हैं उनको यकसा निशाने से बताना है। इसके लिए मैं ये निशान ले रहा, ये दोनों नजीरी जाविये, एक नजीरी जाविया जाविये पी है। अब इसके अलावा आप दूसरी निशान ले सकते हैं, वहां पर जाविया बी का नजीरी जाविया जाविया क्यू है, इनके लिए ये निशान लिया मैंने, और जाविये सी का नजीरी जाविया जाविया आर है, इसके लिए ये निशान लिया मैंने। आप इसके अलावा दूसरी निशान ले सकते हैं, ये होगा पहला काम। अब क्या करना है, मुसलस के नजीर अजला की लंबाइयों को तनासुब में बताने वाले आदा से जाहिर करना है। अजला की लंबाई कैसे जाहिर करने का है, तनासुब में बताने वाले आदास। देखिए अब तनासुब में कैसा, ये ए बी छह सम लिए तो पी क्यू लेंगे तीन सम, देखिए छह और तीन, छह का आधा तीन, तीन का दुगुना छह, या छह बटा तीन करें हमने तो दो बटा एक आता है। अब यहां पे कोई भी ले सकते हैं आप, इसके बजाय छह और तीन के बजाय आप क्या ले सकते हैं यहां पर,
इसको 30 लिए, इसको 15 लिए, 15 का 15, 15 30, या इसको लिए आपने 8, इसको लिए 4, 4 का 4, 4 दुनी 8, या आपने इसको 6 लिए, इसको 2 लिए, 2 एक 2, 2 दिया 6, समझ गया, तनासुब में रहना आदत। यहां मैंने इसको लेंगा 12 सम, उसको 6 सम लेंगा, इसका आधा। यहां 10 सम लिया मैंने, इसको कितना लूंगा, 5 सम, 6 और 3 तनासुब में, 12 और 6 तनासुब में, 10 और 5 तनासुब में, आदाद मुख्तलिफ है लेकिन सबका तनासुब यकसा आता है। देखो 6 बटे 3 दो बटे एक आएगा, 12 बटे 6 दो बटा एक आएगा, 10 बटा 5 दो बटा एक आएगा। अगर आपने यहां लिए 6 और यहां 2 लिए तो तनासुब कितना, 2 बटे 11, तो यहां क्या करना पड़ेगा आपको, यहां 12 है तो यहां 4 लेना पड़ेगा, 4 का 4, 4 दिया 12, यहां 15 लेना पड़ेगा, यहां 5 लिया हमने, 5 का 5, 5 दिया 15, तो यहां पर हमने क्या करे, सवाल नंबर 3 मुकम्मिल कर।